तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम करते हैं प्रपोज संबंधी बातचीत। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है वो हमारी सिर्फ यूकेलिप्टस के ऊपर होने वाली है। हमारे पास यूकेलिप्टस का नया स्टॉक आ चुका है, बहुत ही शानदार यूकेलिप्टस आई है, 413 नंबर। यहाँ आप देख सकते हो 413 नंबर वाली यूकेलिप्टस हमारे पास अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता में। हाइट इसकी भाई 1 फिट है और बहुत ही शानदार, एकदम फ्रेश अच्छी क्वालिटी में आपको यूकेलिप्टस प्लांट्स हमारे पास मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो सारे यूकेलिप्टस हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ हमारे पास ये आंध्रा वाली यूकेलिप्टस है और हम बहुत लॉन्ग समय से कस्टमरों को दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। बाकी जिसको भी जिसने भी खेत में लगाई है वो 100% अच्छा उनका रिजल्ट है, बहुत ही खुशी के साथ कस्टमर अपने खेतों में लगा रहे हैं, तो कोई मतलब नुकसान नहीं है, अच्छा रिजल्ट है, अच्छी बढ़वार है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग अपने खेतों में लगा सकते हैं। जब भी इनको लगाएं तो लगाने का तरीका जानें। लगाने का तरीका इनका दोस्तों इस प्रकार से है कि जब भी आप पौधे को ले जाएं नर्सरी से, ले आने के बाद अगर धूप है तो पानी पौधों में पानी थोड़ा छिड़क लें। पानी छिड़कने के बाद जब पौधों में आप पानी छिड़क लेंगे फिर आप अपने खेत पर ले जाएँ। खेत पर ले जाने के तुरंत बाद आप गड्ढा करें। गड्ढे में थोड़ी सी एक मतलब पौधे के लिए ग्रोथ प्रमोटर, जिस तरह से आप बर्मी कंपोस्ट है या आप सिटी कंपोस्ट है या आप नीम खली है या आप नीम खली के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, अगर आप सबसे बढ़िया रिजल्ट चाहते हो तो आपको नीम खली प्रोडक्ट उसमें डालें, जिससे क्या होगा पौधे में फंगस नहीं लगेगा, खेतों में डीमक होने के कारण पौधे बढ़वार नहीं कर पाते हैं। तो आपको ओनली मेरी मानने तो आप सिर्फ उसके अंदर सिर्फ नीम खली का ही यूज़ करें और किसी फर्टिलाइज़र का उसमें प्रयोग ना करें। DAP, यूरिया, जिंक इत्यादि किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें। उसके बाद दोस्तों आपको जब उसके अंदर खाद डाल दें, खाद डालने के बाद अपना पौधा प्रवस्त कर दें गड्ढे में। गड्ढे में प्रवस्त करने के बाद पौधे में मिट्टी डाल दें। मिट्टी डालने के बाद ये जो हाइट, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो, मान लो ये पौधा है तो आपको इस पौधे का यहाँ तक का जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये हिस्सा मिट्टी के अंदर दबा देना है। तो आप समझ सकते हो इतना गहरा आपको गड्ढा करना होगा, इतना ये है। इतना दबाने के बाद पौधा आपका इतना रह जाएगा। उसके बाद आपको मिट्टी डालने के बाद उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए पौधा लगाते समय, या आप थोड़ी देर बाद उसमें भर सकते हो। ये नहीं कि आपने सुबह लगा दिया शाम करो तो पौधा स्ट्रेस खा जाएगा, वो कंडीशन ना हो। आप तुरंत ही उसमें उसको वो कर दें और जैसे ही खेत में पानी लग जाएगा फिर आपका पौधा रौनक देने लगेगा। और हल्के हल्के जब पौधा नई ग्रोथ स्टार्ट कर दे, जैसे इस तरह से आप देख रहे हो, जब 5-10 पत्तियाँ आगे आ जाएँ, थोड़ा सा 2-3 इंच ऊपर को हो जाए, तब आप इसके अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो, जैसे कि DAP। आप DAP भी अगर आप डालना चाहते हो तो थोड़ी कम मात्रा में DAP डालना, थोड़ा गैप देकर पौधे से 2-3 इंची का गैप देना पौधे से, पौधे की जड़ से, और उसमें वहाँ पर आप 5-10 दाने ड्रॉप कर सकते हो, रख सकते हो, जिससे पौधे की ग्रोथ में बढ़वार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस समय आप यूकेलिप्टस लगाओगे तो आप 100% फायदे में रहोगे, क्योंकि अब आने वाले समय में थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा, लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उस समय पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो चलेगी। इस समय क्या है, अभी गर्मी है तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ चलने वाली है। तो आप यूकेलिप्टस आपको चाहिए दोस्तों तो हमारे पास आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, प्रेमपाल नर्सरी जोहरपुर सीजन बरेली। मैं आपको बाहर से अपना दृश्य दिखा दे रहा हूँ किस तरह से हमारी नर्सरी पर आप आ सकते हो। ये देख सकते हो आप, ये रामपुर रोड हाईवे है, बहुत ही बढ़िया हाईवे है, दोनों तरफ से आपको रोड बन चुका है, वहाँ पर एक छोटा सा कट है तो वहाँ से आप आ सकते हो। ये जौहरपुर में होंडा शोरूम के से मतलब 100 मीटर आगे है। यहाँ पर एक अवध हॉस्पिटल है, लोटस डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके जस्ट बराबर में हमारी नर्सरी है प्रेमपाल नर्सरी। आप बोर्ड देख सकते हो, ये मेन रोड पर आपको बोर्ड भी दिख जाएगा। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, तो आप देख सकते हो इस तरह से आप यहाँ से आप आ सकते हो। ये झुमका वाला रास्ता है और इधर बरेली सिटी वाला रास्ता है, तो आप आ सकते हो हमारे पास और आकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे फुल डिटेल यहाँ पर रोड पर लिखी हुई है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ छोड़ दूँगा, तो आप वहाँ से उसको आकर हमारे को कॉल कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो। मैंने पौधे लगाने की विधि बताई है इस बार इस वीडियो में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और किस तरह से लगाना है वो आपको मैंने समझा दिया, तो बहुत ही बढ़िया है। और इस समय मतलब ठंड से पहले पहले आप उसको लगा सकते हो तो अच्छा रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा मतलब भैया स्लो ग्रोथ होगी पौधे की, तो इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। लगाने का तरीका मैंने बता दिया, अगर लगाने का तरीका अच्छा लगे, मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल प्रेमपाल नर्सरी को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी हमें प्रेमपाल नर्सरी 07 और कई बहुत है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा।